आज मैं तौसी अहमद, जन सत्याग्रह संगठन का शहर उपाध्यक्ष, आज मैं अमरा रंजन पे बैठा हूँ कलेक्टर ऑफिस के पास। ये मेरा तीसरा दिन है। अमरा रंजन मेरा इसलिए शुरू है कि 20/4/2018 को बलात्कारियों के खिलाफ, जो कि पूरे इंडिया में हो रहा है, उन्नाव में, कठुआ में, यूपी में, बिहार में और पूरे इंडिया में इसका निषेध हो रहा है, और इंडिया के बाहर भी सब अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी तरीके से हमने भी फांसी आंदोलन रखे थे आकुट मोटर स्टैंड पे। और हमारा प्रोग्राम शुरू था जिसमें इसमें पुलिस वालों ने हमें आवाज़, जब हम बलात्कारियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, तो बलात्कारियों के खिलाफ तो कोई एक्शन लिया नहीं गया, लेकिन बलात्कारियों के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहा है। उन पे तो हम कानून का सम्मान करते हैं कि उन्होंने हम पे कलम लगाई, जो कानून की धारा है वो बाकायदा सब पे लगने चाहिए अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर कोई बलात्कार के खिलाफ या कोई अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे मारे जाए, उसे गाली गलौज करे जाए और उसकी आवाज़ दबाए जाए।